तो जी स्विगी में हमने कंप्लेंट कर दिया जी, और उसमें हमें 122 रुपए का जो है ना रिफंड मिल रहा था, जिसे हमने लेने से इंकार कर दिया। और भाई अब हमें मिल रहे रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में देखना है मेन की डिस्क्रिप्शन में जितनी चीजें लिखी हैं वो सारी आती हैं या नहीं आती। स्वागत है जी आप सबका चिटोरा पॉइंट की एक और नई वीडियो में। भाई आज हम करने वाले ऑफिस थाली कंपेयर। देखो इसे आप जो है ना कॉर्पोरेट थाली भी कह सकते हो, कई जगह ये जो है ना आपको ऑनलाइन में कॉर्पोरेट थाली के नाम से मिलेगी या ऑफिस थाली के नाम से मिलेगी। लेकिन आज की वीडियो में जो ट्विस्ट है जी वो ये है कि हमने तकरीबन 8 महीने पहले जो है ना सेम ऑफिस थाली कंपैरिजन किया था, और उसमें ना सन ऑफ सरदार जो आज हमने मंगवाए दोबारा से वो विनर आए थे। और उसी के साथ में जी हमने जो दूसरी थाली आज मंगवा ली है कंपटीशन में वो आई है जी बाइट एंड सिप के नाम से जी। तो आपको दोनों के लुक दिखाएंगे, टेस्ट करेंगे और अपना एक्सपीरियंस जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये वाली थाली आया है जी सन ऑफ सरदार से हमने जो मंगवाई है, लेकिन आज हमें पता चला है जी कि खड़क सिंह का ढाबा जो है उन्हीं का ये ब्रांड है, उन्हीं का ही ये ब्रांड है। और भाई ये पेपर वगैरह फटे पे मत जाना, ये हमसे ही जो है ना अभी फट गया लाते वक्त में। तो इसके अंदर कुछ ये चीजें आई है जी, और इसके अंदर जो है ना जी लास्ट टाइम जो मुझे ध्यान है क्योंकि हम अब ऑलरेडी देख चुके थे तो इसलिए हमें पता चल गया कि भाई इसके अंदर जो है ना हमारा स्वीट जो है वो नहीं आया। फिर हमने डिस्क्रिप्शन में चेक किया कि भाई इन्होंने डिटेल में दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो पता चला कि भाई इन्होंने डिस्क्रिप्शन आज की डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है। और जो हम सोच रहे थे कि मीठा गायब है, लेकिन डिस्क्रिप्शन चेक करने में पता चला कि भैया एक सब्जी ही गायब है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आज हमारे साथ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो है। अब इसमें हमारे पास बॉयल राइस आए हैं जी, थोड़ी सी सलाद है यानी कि जिसमें प्याज है, ये है जी पनीर की सब्जी, पनीर ठीक है, और जबकि इसमें चाप मेंशन था। ठीक है, मेरे को चाप की वाली ग्रेवी लग रही थी। हाँ मेरे को भी लग रहा था। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा है दाल मखनी है, सोया चाप मसाला है, मिक्स वेज है, रायता, दो लच्छा पराठा, गुलाब जामुन है भाई, और पापड़। हाँ ये देखो भी मैं आपको बनवा देता हूँ, पाजी दी ऑफिस वाली थाली डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो भाई इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए हमें, है कंप्लेंट हो सकती है। चलो, और साथ में जी हमारे पास है ये दाल मखनी, तो आज इसकी कंप्लेंट भी हम जरूर करेंगे। और साथ में जो ये ब्रेड्स आई है जी, तो आपको वो भी दिखा देते हैं यार। लो जी इसके अंदर जी कुछ दो हमारे जो है लच्छा पराठा आए हैं। लास्ट टाइम ना मुझे अब ध्यान आ रहा है पंकज, वाकई में ये तीनों खाने में ना आई थिंक कुछ सब्जी वगैरह थी और थी पिछले हाँ, और साथ में एक अलग से डब्बी पे स्वीट था। हाँ क्योंकि कॉर्पोरेट थाली का मतलब ही यही है कि जिसके अंदर सलाद, रायता और सारी चीजें हों। इसमें रायता भी मेंशन है, रायता भी एक बार दिखाइयो भाई, ये क्या है ओ भाई, सब कुछ है। ये देखो नाम पढ़ लो, सन ऑफ सरदार का ही ले रखा स्क्रीनशॉट। दाल मखनी, सोया चाप, मिक्सर, रायता, दो लच्छा पराठा, गुलाब जामुन, पापड़ भी नहीं है भाई साहब। कितनी चीजें आज इन्होंने यार गड़बड़ कर दी है, आप बताओ। ये तो बिल्कुल ही जो है ना टॉप लेवल वाला वो रेगुलर थाली बना के भेज दी। चलो अब आपको नेक्स्ट थाली दिखाते हैं, नेक्स्ट आपको कॉर्पोरेट थाली दिखाते हैं जी। अब इसके ऊपर ना जीरो ब्रांडिंग है भाई, और ये कहाँ रख दिया इन्होंने। इसमें आई है जी हमारे पास एक ये फ्रेस्का का मैंगो जूस, ठीक है जी, एक ये इसका पाइप भी है साथ में, और ये आई है जी हमारी कॉर्पोरेट थाली। ये कॉर्पोरेट थाली के नाम से ही है, आपके सामने जो है इसका वो भी हम स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे। और इसमें बहुत कुछ है भाई, थाली तो बड़ी है भाई, जबरदस्त है भाई साहब थाली, मजा आ जाएगा तेरे को देख के। बंदा बस ये है फैल गया सब कुछ, दिखाते हैं आपको एक बार जरा पास से दिखाते हैं। लो जी ये है जी हमारी कॉर्पोरेट थाली जिसमें काफी कुछ है। अब मेरे को जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या क्या है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आई थिंक ये चाप का एक पीस दिया है इन्होंने, ठीक है, तड़के वाली दाल है, मीठे में एक पीस यहाँ नजर आ रहा है जी, एक पीस यहाँ नजर आ रहा है, पापड़ है जिसका पापड़ का पापड़ बन गया है, सौगी हो गया है वो मेरे ख्याल से चाशनी की वजह से। इसकी ग्रेवी जो है ना देखिए खत्म हो गई, इसकी ग्रेवी सारी वहां पहुंच। और एक चीज समझ नहीं आ रही पंकज, ये क्या चीज है, जरा एक मिनट चम्मच उठाऊं जरा इनका वाला, भाई साहब चम्मच खाली तो चलो अच्छी थी मगर पैकिंग ने सारा काम खराब कर दिया। बिल्कुल पैकिंग बहुत ही ज्यादा खराब थी जी। अच्छा दही भल्ला, ओ भाई साहब ये सारी की सारी ग्रेवी जो है वो दही की है, और साथ में चाशनी भी होगी, मीठा हो गया होगा भाई, बल्ले बल्ले। अच्छा जी ये है जी पनीर की सब्जी जो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है, और बढ़िया मसालेदार है, ऊपर क्रीम वगैरह तो अच्छी लग रही है।
साथ में हमारे पास मटर और गाजर वाले जो है वो पुलाव है, सलाद है, तो रोटी भी जाता है, माउथ फ्रेशनर भी दिया हुआ साथ। अच्छा बढ़िया, थाली देख अच्छी है, बस वो एक पैकिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मीठे में दो चीजें हैं, अच्छा और एक अब देख मेन खेल ये है, इन्होंने इसके ऊपर भी कुछ नहीं करके दिया, इतना तो कोई भी ध्यान से नहीं लेकर आएगा राइडर की उसकी चाशनी पहले ना, बिल्कुल बिल्कुल गड़बड़ सबके पास जाती होगी बिल्कुल। और ये हमारे जी दो कुलचे आए हैं आलू स्टफ वाले, ठीक है, नान ही है बेसिकली, छोटा नान जिसके अंदर आलू की स्टफिंग है। तो जी दोनों थाली आपको एक साथ दिखा रहे हैं जी। ये है जी हमारी सन ऑफ सरदार की, जिसका बेसिक अमाउंट जो है वो है 299 रुपीज, बाकी टैक्स और डिस्काउंट वगैरह जो भी ऑनलाइन है। और इसका एक्चुअल प्राइस है जी 375 रुपए जी, जिसके अंदर मतलब काफी कुछ है, मात्र 75 रुपए का दोनों में जो है ना डिफरेंस है, बाकी टैक्सेस वगैरह वो अलग से हैं। टेस्ट कैसा है पता नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे ये गड़बड़ ना हुई होती ना तो ये थाली बहुत बढ़िया थाली। चल यार पंकज यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ तो भाई चीज सही बात है। तो अब फटाफट इनको टेस्ट करने से पहले फटाफट जो है ना पहले स्विगी में इसकी कंप्लेंट भी कर देते हैं भाई। तो जी स्विगी में हमने कंप्लेंट कर दिया जी, और उसमें हमें 122 रुपए का जो है ना रिफंड मिल रहा था, जिसे हमने लेने से इनकार कर दिया भाई। अब हमें मिल रहे रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेसमेंट में देखना है मेन की डिस्क्रिप्शन में जितनी चीजें लिखी हैं वो सारी आती हैं या नहीं आती। हालांकि मतलब हमारी वीडियो बनाते तक में वो थाली आ गई, तो आपको पक्का दिखा देंगे जी कि अब रिप्लेसमेंट में क्या क्या आता है। अब जो है उसी में जो है ना हम टेस्ट करने लगे हैं। पहले सन ऑफ सरदार देखो कितनी बड़ी बात है, 7 महीने पहले यही थाली विनर थी और इतना कुछ था, उसी वजह से हमने इस थाली को विनर किया था। और आज ऑलरेडी जो है ना अगर चीजें मिसिंग के हिसाब से ये थाली हार चुकी है, बाकी देखते हैं कि टेस्ट वैसा कमाल का है या नहीं है। हम सबसे पहले दाल मखनी करने लगे हैं जी, टेस्ट करें आ जाओ। भाई साहब लच्छा पराठा विद दाल मखनी, टेस्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत मजेदार दाल है, मजा आ गया, एकदम बढ़िया मजेदार लगी है। बाकी अब साथ में आया जी पनीर की सब्जी। और लच्छा पराठा भाई साहब तकरीबन थाली को ओपन हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इतना सॉफ्ट है ना, बड़े आराम से ब्रेक हो रहा है। सही बात है। अब हमारे पास चाप तो है नहीं जी, पनीर की सब्जी है, यही ट्राई करते हैं। अरे भाई आ जाओ जी। भाई साहब टू गुड, मजेदार ग्रेवी है, जो प्याज वाली ग्रेवी बनी हुई होती है ना उस तरीके की ग्रेवी है, स्वाद कमाल का है। यही ना एग्जैक्ट इस तरीके का प्याज के भुने हुए का फ्लेवर ना, जब हमने कौन सा वो पनीर की सब्जी पनीर खुरचन करी थी, एग्जैक्ट ऐसा ही टेस्ट था उसके अंदर भी, प्याज जो है ना अच्छे से भुना हुआ था, बहुत मतलब क्या कह रहा हूँ नेक्स्ट लेवल सब्जी थी। और ये वाली भी जो है ना ये, और अगर आज थाली पूरी आई होती ना तो ये टफ कंपटीशन देती वो वाली थाली को भी। अब मगर यहाँ पे चीजें भी कम है, अब यहाँ पे चीजें गायब होने की वजह से ना यहाँ पे जो है इनके काफी सारे माइनस पॉइंट चले गए। आप सोचो आज की हमारी इस थाली में मिक्स वेज नहीं है, और चाप नहीं है, पापड़ नहीं है, रायता नहीं है, गुलाब जामुन नहीं है, तो 5 चीजें और इस थाली में गायब है भाई। सोचो ये तो हमने इंडिविजुअल मंगवाई है, किसी ने अगर ऑफिस में बर्थडे पार्टी वगैरह के लिए 10-15 लोगों के लिए मंगवाई होती तो हो जाता उसका बर्थडे। चलो अब बारी है जी बाइट एंड सिप की जी, इसको ट्राई करते हैं। इन्होंने थोड़ी सी अलग तरीके की थाली दी है, कुलचा वगैरह दे रहे हैं, देखते हैं। असल में देखा जाए तो कॉर्पोरेट थाली वाकई में जो है ना वो ये है, थोड़ा सा इसको इग्नोर कर दो, ये है कि किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, किसी को वो दे रहे हो, ट्रीट दे रहे हो, तो कुछ अच्छा दे तो और मजा आता है। चलो जी दाल तड़का से ही जो है ना पंकज ट्राई करते हैं, थोड़ा सा जरा चीजें इधर उधर हो गई है, इतना तो इग्नोर किया जा सकता है, बाकी टेस्ट करते हैं। दाल तड़का अच्छी है, जिस तरीके की दाल को तड़का लगा के, मूंग धुली दाल है, उसको प्याज टमाटर का अच्छे से तड़का लगा रखा है, ठीक है। और स्टफ्ड कुलचा है, तो ये लच्छा पराठा से भी नरम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास चाप है जी, तो इसकी ग्रेवी के साथ ही जो है ना पहले टेस्ट करते हैं कि इसकी ग्रेवी में कितना टेस्ट जरा बदलता है। करें टेस्ट, चलो जी। खाना तो स्वाद है भाई, खाना बहुत स्वाद है भाई साहब, मजा आ गया। दोनों की दोनों अच्छी लगी देखो, यहाँ से ना ऑलमोस्ट क्लियर हो गया
खाना इनका भी बहुत स्वाद है, खाना इनका भी बहुत स्वाद है। अब एक आध चीजें और रह गई हैं, जरा उनको भी टेस्ट कर ले, ये ना हो कि बाकी चीजों में कुछ ना कुछ कहीं गड़बड़ निकल आए। तो पनीर की सब्जी जी जो है ना जी इनकी, इसको ट्राई करते हैं। देखने में तो अच्छी लग रही है, दिखने में काफी अच्छी लग रही है, कुछ कुछ जो है ना कढ़ाई पनीर की तरह लग रही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। टेस्ट करते हैं। मसाले जो है ना वो बहुत बैलेंस है, मतलब हर चीज का जो है ना अलग अलग जो फ्लेवर आ रहा है, चाहे वो चाप की ग्रेवी हो, दाल हो, पनीर की सब्जी हल्की हल्की सी मिठास वाली है, लाइट मसाले हैं, चाप वाली में हल्का सा मसाला थोड़ा सा तेज है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है, बहुत बढ़िया है भाई। मेन तो देखो दाल सब्जी होती है, रोटी चावल वगैरह तो ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही आते हैं, मगर इन्होंने उसमें भी थोड़ा सा अलग करने के लिए कुलचा दे दिया, तो वो प्लस पॉइंट कर दिया। मजा आ गया भाई, मैं तो मतलब क्या ही बताऊं आपको, ये खाना स्वाद लग रहा है, मेरे को बहुत बढ़िया लगी है। चलो दोनों जगह हमारे पास जो है ना, यहाँ पे पुलाव है, यहाँ पे राइस है, तो एक एक बाइट जो है ना दोनों तरफ से ले लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे प्लेन राइस है, तो वही फ्लेवर आना है जो हम मिलाएंगे सब्जी दाल। भाई साहब राइस में भी ना कितना फर्क आ गया, ये हल्का सा जो है ना आपको चबाना पड़ रहा है, हल्का सा टाइट है, प्रॉपर बॉयल नहीं है, यहाँ राइस एकदम प्रॉपर जो है ना बॉयल है। पनीर की सब्जी के साथ लिया भाई, मजेदार स्वाद आ गया, मजा आ गया। कौन सी सबसे मैंने ये ली ना इसके साथ ही ट्राई, मैंने दाल तड़का के साथ भाई, वही है यार, मतलब बहुत लाइट फ्लेवर है, जो चीज मिलाओगे उसके साथ है। अब एक हमारे पास भाई और स्वीट में भाई दो चीजें दी हैं, आज तक नहीं देखी किसी वाक्य में, एक गुलाब जामुन भी होता ना सिंगल बंदे के लिए तो भी इनफ था। अच्छा एक चीज है मंगल, अच्छा मैं रायता कह रहा था, यहाँ पे दही वाला था जिसका दही तो यहाँ पे फैल गया, मगर एक चीज है वो फैला भी सिर्फ सेंटर में, सब्जियों में कोई टेस्ट नहीं आया उसका, चमचम है ना ये। हाँ चलो ये ट्राई करते हैं, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ भाई, बहुत टाइम बाद, मजा आ गया, मजेदार है, बहुत मजेदार है। थोड़ा सा ये जरा गुलाब जामुन भी टेस्ट कर लेते हैं भाई, लेकिन यार वाकई में चमचम तो बहुत ही टाइम बाद खा रहा हूँ, बढ़िया। तो ठीक है, आज की विनर जो है ना जी थाली, वो बाइट एंड सिप वाली है, ये विनर है जी। और आने वाले टाइम पे अगर बाइट एंड सिप को भी किसी और के साथ कंपटीशन देना चाहते, जैसे आज यहाँ पे विनर को चेंज कर दिया उसने, अब देखेंगे इसको कौन हराएगा। देखो ऑनलाइन में ना ऑप्शन कम है, जबकि अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे ना तो कॉर्पोरेट थाली बेचने वाले, सेल करने वाले दुनिया भर के लोग हैं, अगर उनसे किसी से कंपटीशन ले, सिंगल थाली ट्रायल में मिल जाती है, ट्रायल में मिल जाती है, बोलेंगे हमें पार्टी के लिए चाहिए ट्रायल दे दो एक, ट्रायल में ना आपके लिए बजट वाली जो है ना कॉर्पोरेट थाली मंगवा कर दो तीन जगह से ना उसकी वीडियो बनाएंगे, तब आपको और ज्यादा अच्छे से जो है ना चीजें समझ में आएंगी। यहाँ बजट में आपको बता रहा हूँ, ये बजट ज्यादा है स्विगी जोमेटो में होने की वजह से, अगर यही थाली हम डायरेक्ट गूगल वगैरह से सर्च करके करते ना तो तकरीबन 250 रुपए में आराम से आती है, आराम से ये 300 रुपए में थाली हमारी आती है। हम लोग भी वेबफेयर मीटअप करते हैं, वहाँ पे 70-70, 100-100 थालियां हमने ली हुई हैं, 250-300 रुपए में बड़े आराम से थाली, बहुत अच्छी थाली आ जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है भाई, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना, अभी भी हम वेट कर रहे हैं, अगर बाय चांस हमारी ये वाली थाली आ गई तो लास्ट क्लिप आपको दिखा देंगे कि उसके अंदर अब हमें सारा सामान आया ही है, अभी भी कमी आई। ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके जरूर बताना, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय 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 बाय। तो जी सन ऑफ सरदार से जी पाजी दी ऑफिस वाली थाली हमारी आ गई है जी, और आई फिर दोबारा जो है ना खड़क सिंह के ढाबे से ही है। अब इसको ओपन करते हैं और अब की बार देखते हैं जी कि वो सारी चीजें हमारी आई है या नहीं है। भाई मेरे को तो अब की बार भाई उनके पास है ही नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है सामान भाई साहब, ना पापड़ ना अभी भी नहीं लगता मेरे को कि वो चाप वगैरह सारी चीजें, वही पनीर दिख रहा है, हाँ वही दाल मखनी। तो भाई अब बताओ आप लोग कि यार अब हमें क्या करना चाहिए, फिर कंप्लेंट करके 122 रुपए अब रिफंड ले लें, क्योंकि रिप्लेसमेंट तो पता चल गया कि ये नहीं आएगी भाई। तो अभी ऐसी सेम एग्जैक्ट में ना ऊपर से अगर डालेगा तो दोबारा थाली भेजेंगे भाई साहब, एक बार पूरा पैसा रिफंड कर देंगे, कहेंगे अपनी भेज रहे थाली। हाँ एक बार फिर भी आप देख लो, जब हमारे पास स्पून वगैरह नहीं है, आई थिंक मंगल इस बार चाप है वो पनीर की सब्जी है, सब्जी है पनीर, जरा एक मिनट जरा चम्मच से जरा चेक कर ही ले। तो इस बार भाई देख लेते हैं पनीर की सब्जी है या चाप है। पंकज पनीर भी खत्म ही हो, पनीर भी खत्म भाई, सिर्फ ने ग्रेवी ग्रेवी दे दी है, चलो मतलब वही सेम चीज उन्होंने कर दी है जी, और साथ में वही लच्छा पराठा हमारे आ गए होंगे।
आप हमें कमेंट करके बताओ कि अब हमें कंप्लेंट करनी चाहिए थी या रिफंड जो 122 रुपये आ रहा था वो लेना चाहिए था। बाकी हम डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे। वैसे हम पंकज अब कुछ नहीं करेंगे, है ना, चीज़ दोबारा आ गई है, चलो रहने देते हैं।